वेलकम बैक गाइस, फाइनली वैक्सीनेशन हेल्थ जन। और अभी मैं 2 बजे के घर में आया हूँ। देट वॉज टू इजी, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फटाफट वैक्सीन लगवा के घर पर आ गया। और वैक्सीन जो आपके लेफ्ट हैंड में लगता है, एंड लुक आई हैव सरप्राइज फॉर यू, देयर इज इट। जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कुरियर सर्विस कि सर आपका जो कुरियर है आपका आ चुका है, एंड देयर इज इट। तो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। जो छोटे पैकेट में है, एक तो यंत्रालय के स्कूल ऑफ गैजेट्स, तो इसका स्टिकर है और माउंट है। माउंट वैसे मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं मोबाइल के, बट ठीक है, एक और एक्स्ट्रा में रखा रहेगा मेरे पास। और ये है, आप जानते हो क्या है, ये GoPro का माउंट है। और इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं। ये है बॉल हेड। बॉल हेड का काम क्या है कि आप 360 कैसे भी रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो अपने कैमरे को, तो वो इजी रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेट रख के ही कैमरा शूट करो, अपनी मर्जी से घुमा भी सकते हो। ये है आपका ऑक्टोपस फोल। इसकी क्वालिटी लिटरली इतनी अच्छी है ना कि मैं सोच रहा था कि ये पकड़ने में ना कोई प्लास्टिक वगैरह ना हो, लेकिन ये कम्प्लीट लेदर या रबड़ की ही बनी हुई है। और पकड़ने में इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, कोई इजीली हाथ से छीन भी नहीं पाने का, मतलब बहुत अच्छी ग्रिप है। मुझे इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बट हाँ फिर भी अच्छी क्वालिटी है। बट मुझे इसमें एक चीज़ की कमी लगी है, क्या कि ये फुल ऑफ फैब्रिक का बना हुआ है, फैब्रिक और प्लास्टिक मिक्स है ये। अगर ये लोडेड गिरता है नीचे तो मे भी ये चटक सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। वैसे जो मुझे लेना था गोरिल्ला बोर्ड, वैसे मुझे ये नहीं लेना था, मुझे दूसरा लेना था, वो था जोबी का। मैं आपको दिखाता हूँ जोबी। मुझे जो लेना था, मुझे ये वाला गोरिल्ला पोर्ट लेना था, बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो मैं इसे अभी नहीं ले सकता हूँ। तो मे बी 5 से 6 महीने मैं इसे यूज़ करूँगा। अगर इसके अलावा भी मुझे महसूस होता है कि इससे काम नहीं चलना है, मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आई एम डेफिनेटली गो फॉर इट। कल लिया परसों कब होता मेरा माइक कब आया था परसों मेरा ये वाला माइक आया था। तो इसकी खासियत ये है कि आप जब सामने स्टेट रहते हो तो सामने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लेता है और साइड की आवाज़ ये बहुत ही कम ही लेता है, तो इसका फ़ायदा ये है। और ये है हमारा काफ़ी ब्लॉगिंग का सेटअप। जब आप कैमरा देख रहे हो, ये है कैनन 700D। इसमें फाइनली कैमरा लगने वाला है। कैमरा लगने के बाद वो कैसे दिखेगा वो मैं आपको मिरर में दिखा पाऊंगा। और आज ना मुझे बहुत सरप्राइज सा फील हो रहा है, क्योंकि ना आसमान में पतंग उड़ रहे हैं। ये मई का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त, अभी अगस्त के टाइम में ज़्यादातर पतंग उड़ती है। और रक्षाबंधन भी शायद अगस्त के महीने में 8-10 दिन के आगे पीछे कहीं आता होगा, तो आज पतंग देखने को मिल गई है। और एक साथ 2 पतंग 3 4 5 कम से कम 15-20 पतंग दिख रही है मुझे आज। अली मोहल्ले बहुत काम चलता रहता है ना, तो बड़ा शोर मस्ता है। ये वंस अगेन छत पे आ गए फिर से बंदर की तरह खेलने। इसको ना ये मेरा एहसान बंद है ना। आज आसमान थोड़ा बहुत पीला पीला सा हो रहा है, क्योंकि आज है 8 तारीख है ना, कल ही ब्लॉग में 8 तारीख ही थी। आसपास कहीं आंधी आ रखी है, इसलिए मौसम येलो हो रखा है, धूल दिखाई दे रही है दूर दूर तक, इसकी बात में भरोसा मत करना। हाँ यार, धूल तो दिख रहा है। हेलो, काम बिजी हो सर? अच्छा, सो रहा है क्या? फ्री है ना? नहीं, मैं सोचा शाम को उसे मिलने आऊं, पर तूने फोन नहीं उठाया इस टाइम। सही बात है, ठीक है। सारी चीज़ में हमने मिस करी है, वो सारी चीज वापस स्टार्ट होते हैं और अब नहीं रुकना। और जो आज का ब्लॉग है, रात के 10 बज चुके हैं और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी इस ब्लॉग को एडिट भी करना है और रात भर में अपलोड भी करना है। तो गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।